अगर आपके साथ आपका दुश्मन, आपका शत्रु छल कपट कर रहा है, आपको बिना वजह से परेशान कर रहा है, मृत्यु तुल्य कष्ट तक दे रहा है आपको, तब आप भी एक नींबू लेकर उनके साथ इन चीजों को केवल अग्नि में जला दें। तो अग्नि में जलाते ही पूर्ण रूप से जो भी आपका दुश्मन है, जो भी आपका शत्रु है, वह पूर्ण रूप से तबाह होगा। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो आज यह जो टोटका मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक नींबू के द्वारा, तो एक नींबू से आप अपने दुश्मन, अपने शत्रु की पूर्ण रूप से शक्ति को बांध सकते हैं, उसका पूर्ण रूप से बंधन कर सकते हैं। और अगर आपका दुश्मन, आपका शत्रु आपको बिना वजह से परेशान कर रहा है, मृत्यु तुल्य कष्ट दे रहा है, आपके ऊपर बंधन लगा रहा है, आपके शरीर को बांध रहा है, कारोबार को बांध रहा है, या कैसे भी बिना वजह से अगर आपको परेशान कर रखा है आपके दुश्मन ने, तब आप इस टोटके की विधि को अपनाएं। इसके लिए किसी मंत्र का जाप करने की भी आपको जरूरत नहीं, कोई बड़ा अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं। केवल आपने एक नींबू के साथ इन वस्तुओं को अग्नि में जलाना है इस विधि के अनुसार। तो जब आप अग्नि में इसको जला देंगे, नींबू के साथ इन चीजों को जला देंगे, तो आपके दुश्मन, आपके शत्रु को बांधने वाली माता मसानी मेलडी और आद शक्ति शमशान काली और बाबा भैरवनाथ उसके ऊपर पूर्ण रूप से बंधन लगाएंगे, उसकी पूर्ण रूप से शक्ति को बांधेंगे, उसके शरीर का बंधन करेंगे। और आपका शत्रु, आपका दुश्मन पूर्ण रूप से तबाह हो जाएगा अगर आपने भी इस विधि को अपना लिया। और इसका जो चमत्कार है, ऐसा नहीं कि महीने के बाद आपको देखने को मिलेगा या 6 महीने के बाद देखने को मिलेगा। ये जो चमत्कार है शत्रु की तबाही का, इसको आप अपनी आँखों से देखना तुरंत आरंभ कर देंगे जब आपने इस टोटके की विधि को अपना लिया। तो इसके लिए जिस जिस सामग्री की आपको जरूरत पड़ेगी, यह जो सामग्री है आपने या तो शनिवार वाले दिन आपने इसको अपने घर में लेकर आना है, या फिर इसके बाद आप अमावस की काली रात्रि को भी इस उपाय को कर सकते हैं। वह जो सामग्री है आपने एक नींबू लेकर आना है अपने घर में, साबुत नींबू, और उसके बाद आपने अपने हाथों के जो नाखून हैं, जो आपके हाथों के नाखून हैं, उनको काट लेना है। केवल हाथ हाथ के नाखून, जो 10 ही उंगलियां हैं आपके, उनके नाखूनों को आपने काट लेना है। और उसके बाद नाखून काटने के बाद फिर आपने थोड़ी सी फिटकरी, फिटकरी का एक टुकड़ा आपने लेना है, ये भी आपको बाजार से बड़े आराम से प्राप्त हो जाएगा। तो उसके बाद आपने अपने दुश्मन, अपने शत्रु का ध्यान धरते हुए एक नींबू को 4 भागों में आपने काट लेना है, जैसे साइड के ऊपर स्क्रीन के ऊपर आप ये देख भी रहे हैं। तो 4 भागों में काट लेने के बाद उसके बाद जो कटे हुए नाखून हैं आपने इसके बीच में, सेंटर में आपने उनको रख देना है, भर देना है।
उसके बाद वह जो फिटकरी का टुकड़ा है उसको भी आपने इसमें डाल देना है, इसी नींबू में आपने उसको भी रख देना है। और उसके बाद जो वस्तु आपने लेनी है, जो चीज़ को लेना है, वह है डंडी वाली सूखी हुई लाल मिर्च। तो लाल मिर्च भी इस नींबू के साथ आपने उसको भी ले लेना है, रख लेना है इसी नींबू के साथ। और दो आपने लेने हैं साबुत लौंग, दो आपने लौंग लेने हैं। उसके बाद अपने दुश्मन अपने शत्रु का ध्यान धरते हुए आदिशक्ति माता काली बाबा भैरवनाथ और माता मसानी मेलडी मैली विद्या की देवी और शमशान काली और शमशान भैरव का ही जो टोटका है उनका नाम लेकर आप अपने घर में या घर से बाहर कहीं पर भी अग्नि चेतन कर लें। वह जो आग है गोबर के कंडे गोबर के उपले को जलाने के बाद भी आप तैयार कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी लकड़ी के द्वारा अग्नि चेतन कर लें। इतनी अग्नि चेतन करनी है कि यह जो नींबू के साथ सामग्री है यह पूर्ण रूप से जल जाए। लेकिन देखो यह जो सामग्री है पूर्ण होनी चाहिए, जो जो मैंने आपको बोला है, दो लौंग दो मिर्च फिटकरी और साबुत नींबू और ना खून, जो ना खून है ये शमशान का काम करेंगे। जो उपाय आप शमशान में जाकर करते हैं वैसा ही आपको रिजल्ट देगा और इससे आपको कोई भी नुकसान कोई भी साइड इफेक्ट आपका नहीं होगा। लेकिन आपके दुश्मन के ऊपर जिसके लिए आप इस विधि का प्रयोग कर रहे हैं उसका पूर्ण रूप से सर्वनाश होगा। पहले ध्यान धरने के बाद इन देवताओं का, उसके बाद ये सारी वस्तुएं नींबू के साथ आपने अग्नि में इनको जला देना है। तो जब आप इसको अग्नि में जला देंगे तो आपके दुश्मन आपके शत्रु के ऊपर पूर्ण रूप से महाकाली शमशान भैरव और माता मेलडी का पूर्ण रूप से पहरा लग जाएगा, बंधन हो जाएगा। अगर आपने इसी विधि के अनुसार इस टोटके को अपना लिया, और यह जो टोटका है कोई भी स्त्री कोई भी पुरुष इसका प्रयोग कर सकते हैं रात्रि के समय, अंधेरी रात में, अमावस की रात या फिर किसी भी शनिवार वाले दिन। तो अगर वीडियो बढ़िया लगी लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करें ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, अब तक जय मां काली जय बाबा भैरवनाथ। अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं, गुरु जी से घर बैठे हर समस्या का समाधान पाने हेतु जैसे घर का किरण मन चाहा वशीकरण करवाने के लिए आप सिद्ध सामग्री किट वशीकरण किट सिद्ध यंत्र सिद्ध माला प्राप्त कर सकते हैं। और गुरु जी से बात करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप बुकिंग कर सकते हैं।